Today we are going to study urbanization in India since 1901 and basically what have been the problems as a process of urbanization in India that we will be studying today's topic. Let's begin with what is urbanism and urbanization. Means nagrikaran kya hai aur nagriyata kya hai. So urbanism is a concept that describes the process by which a section of population adopts an urban way of life even while residing in rural areas. Wingth ne 1938 mein jo urbanism ki paribhasha di wo ye thi ki ye ek aisa concept hai, ek aisi vichardhara hai jo ye describe karti hai ki ek aisi prakriya जिसमें जो जनसंख्या का एक भाग है वो नगरीय जीवन शैली को अपनाता है लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए ही ये प्रक्रिया को अपनाता है. तो अर्बनिज्म एक प्रक्रिया है, ऐसी विचारधारा है जो ये मानता है. लेकिन नगरीकरण की जब हम बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन है अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन. मीन नगरीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्रामीण जो है वो नगरी नगर जैसे गुण वाले जो शहर हैं नगर जिन्हें हम कहते हैं उसमें परिवर्तित होता है. तो अर्बनाइजेशन इज़ अ सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस बाय विच एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड इनटू टाउन्स एंड सिटीज़. कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि जो नगरीकरण है वो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें एक जो स्थान है, एक जो नगर है या एक जो अधिवास है वो अनुपातिक दृष्टि से जो पॉपुलेशन है वहाँ पर वो कस्बों और शहरों में ही केंद्रित हो जाती है. तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि अर्बनिज्म हम किसे कहेंगे और अर्बनाइजेशन किसे कहेंगे. देन बिगनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन हम इंडिया की बात करते हैं कि भारत में नगरीकरण की प्रारंभ कब हुआ. तो बेसिकली इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं तो पीरियड आफ्टर 1941 विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ ऑफ फोर मेट्रोपोलिटन सिटीज़ इन इंडिया विच वर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई. ये मेजर आपके मेट्रोपोलिटन सेंटर है जिनका विकास आपका शुरू हुआ था 1941 के बाद. द नेशंस इकोनॉमी सॉ राइज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज. राष्ट्र में क्योंकि आर्थिक विकास हो रहा था औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो नई तकनीकें आ रही थी, जिले जीवन स्तर में वृद्धि हो रही थी, उसकी वजह से नगरीकरण की प्रक्रिया भारत में आरंभ हुई. जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट हुए वो किस फील्ड में हुए. जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, सबसे पहला जो क्षेत्र था वो था उद्योग. औद्योगिक गति में बहुत ही वृद्धि हुई, नई नई नीतियाँ बनाई गई, उद्योगों की स्थापना की गई, लोगों को प्रोत्साहन दिया गया कि उद्योगों की स्थापना करें. तो एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया थी वो स्पीड अप हुई. देन इरिगेशन एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उद्योग स्थापित हो रहे थे और कृषि प्रधान राष्ट्र है हमारा तो इरिगेशन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की स्थापना भी शुरू की गई क्योंकि सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती जिससे कि 12 महीने जहाँ पे जल की उपलब्धता ना हो उन्हें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके. तीसरा जो मेजर इंडिपेंडेंस के बाद जो एक दिशा देखी गई वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है कि जो प्रशासनिक कार्य थे इत्यादि उसकी वजह से भी नगरों का वृद्धि हुई या नगरों की जो गुण थे उनके अंदर परिवर्तन हुआ और वो महानगर और भवनगर सन्नगर में परिवर्तित हुए. तो प्रशासनिक दृष्टि से भी जो राजधानी थी उनका विकास हुआ. जब हम ट्रेंड देखते हैं 1901 से 2011 तक वर्तमान समय में तो हम ये देखते हैं कि भारत में नगरीकरण जो है वो तीन विशिष्ट चरणों में हुआ है 20वीं शताब्दी तक में. सबसे पहला था पीरियड ऑफ स्लो अर्बनाइजेशन जो कि 1901 से 1931 तक था. हम ये देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बेसिकली भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या थी वो 2.58 करोड़ रही. तो क्योंकि उस वक्त प्लेग एपिडेमिक बहुत ज़्यादा था, डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी तो जो मृत्यु से जनसंख्या का काफ़ी ह्रास हुआ था. तो जो मंद वृद्धि काल हम इसे कहते हैं 1911 तक नगरीय जनसंख्या स्थिर रही. फिर दूसरे दशक में इन्फ्लुएंजा महामारी के रूप में फैलने लगा और इस तरह से 1921 में नगरीय जनसंख्या 2.81 करोड़ रिकॉर्ड की गई. थर्ड जो टिकट था 1921 to 1931 में उसमें बेसिकली जो नेगेटिव फैक्टर्स थे उनका इम्पैक्ट कम होने लगा और जनसंख्या वृद्धि हुई. इसलिए जो जनसंख्या 1931 में रिकॉर्ड हुई वो 3.35 करोड़ पहुंच गई. और बेसिकली स्लो अर्बनाइजेशन के कारण जैसा कि अभी हमने आपसे बात की वो है फेमिन, अकाल, महामारी, उच्च मृत्यु दर और जो औसत वृद्धि दर थी वो मात्र कितनी थी आपकी वार्षिक दर 0.98%. दूसरा जो काल है जो फेज़ है वो है पीरियड ऑफ मॉडरेट अर्बनाइजेशन
जिसे हम कहते हैं बेसिकली सामान्य जो नगरीकरण की प्रक्रिया थी वो 1931 से 61 के बीच में रही, और इसके अंदर प्लान्ड डेवलपमेंट था क्योंकि विकास को एक गति मिली, क्योंकि महामारियों पर हमने थोड़ी बहुत, क्योंकि चिकित्सा संबंधी विकास हुआ था तो उस पर कंट्रोल नियंत्रण हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, तो अब जो प्लानिंग जो विकास की गति थी वो नियोजित रूप से प्लान की गई और स्टार्ट हुई। फिर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि औद्योगिक विकास शुरू हो चुका था तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो उद्योगों में भी विकास हुआ, और इस प्रकार से जो ग्रोथ रेट रही इस तीन दशकों में वो 135.86 रिकॉर्ड की गई। दूसरा जो हमारा काल आता है वो है पीरियड ऑफ रैपिड, बेसिकली अति तीव्र वृद्धि काल में, उसमें था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वृद्धि हुई क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नियोजन में उद्योग, कृषि, परिवहन सभी आर्थिक क्षेत्रों पर बल दिया जाने लगा। व्यापार था, शिक्षा थी, परिवहन था, टूरिज्म था, देन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, और ये सब जो थे अट्रैक्शन फोर्स थे। तो अर्बन जिसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट काल का था ये, तो 1961 से जो 2001 तक का काल रहा है वो आपका पीरियड ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन तीव्र वृद्धि वाला काल रहा है, और ये बेसिकली ग्रोथ रेट जो नापी गई इसमें 261% रही। देन ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं तो इस डेटा में आप देख पा रहे हैं कि अंडर पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन मिलियंस में जो 1901 में मात्र 25.85 थी वो 2001 में 285.35 हुई, 2011 का हम आगे देखेंगे स्लाइड में। डिकोडल ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि उससे पहले क्योंकि सेंसस नहीं थी तो हमारे पास नहीं है, बट 0.35 जो कि 1911 में था वो 31.18% हो गया, और अर्बनाइजेशन मात्र जो 11% था वो बढ़ के 27.8% पे आ गया, अभी 30% से ऊपर है। तो ये विकास की गति को आप देख रहे हैं कि बीच में ये कम, हमेशा ये जो ग्रोथ रही है वो 11, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 25, तो बहुत ही ग्रेजुअल है, बहुत स्पीड अप, इतना भी नहीं है कि एकदम से 5 से 10 हो जाए, लेकिन हाँ 2% का जो है इसमें इंक्रीज हुआ है। भारत में नगरीकरण की प्रगति को अगर हम देखते हैं तो जनगणना सेंसस ईयर्स में आप देख रहे हैं 2001 तक का कि इसमें जो कुल नगरीय जनसंख्या है वो 25.85 से लेकर 285.36 हो गई, और जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है कुल जनसंख्या में वो मात्र 10.84 था 1911 में, और अब 27.78 है। तो जो भिन्नता है प्रतिशत की डिकेडल वो आप देख सकते हैं कि 0.35 से 31.13 है। तो ये बेसिकली डेटा का रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम कंपैरिजन करें कि 1901 और वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी में तो बहुत ही अंतर दिखता है। प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो इसका डेवलपमेंट रहा है या क्या इसकी दिशा रही है, तो परसेंट अर्बन जो है जो अर्बन पॉपुलेशन की दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 11% इन 1901 टू 31% इन 2011, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था। तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन रिलेटिवली स्लो कम्पेयर टू मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, अन्य विकासशील देशों से जो इसकी प्रक्रिया है वो बहुत ही निम्न है या धीमी है। इंडिया इज़ एट एक्सेलरेशन स्टेज एट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ये बेसिकली गतिमान जो है वो एक्सेलरेशन स्टेज में है अर्बनाइजेशन के, जिसे हम कहते हैं कि बढ़ती हुई गति से। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, गोवा इज़ द हाईली अर्बनाइज स्टेट विद एन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ 62.1%। वर्तमान समय में जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग गोवा सबसे हाईली नगरीकृत राज्य माना जाता है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन मिलियंस है, देन अर्बन पॉपुलेशन है, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन आप पहले भी देख चुके कि 10.8 से 31.16 है, देन नंबर ऑफ अर्बनाइज सेंटर्स 1915 जो कि 1901 में थे अब बढ़कर 7935 हो गए हैं, और अर्बन पॉपुलेशन का जो है जो रेट वो जा रहा है आपका 0.03 से 2.76% से, तो बहुत धीमी है जो पॉपुलेशन गति है। और जो टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन है, जो गतिशीलता पाई जा, जो गतिमान है, जो गति है इसकी टेम्पो, वो है आपकी पॉइंट माइनस में जो थी 0.52 वो अब हो गई है 1.14। ये आप इस टेबल में देख पा रहे हैं जो कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में दिया हुआ है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आपका नॉर्दर्न रीजन है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न है, सिटी लोकेटेड इन रिवर बैंक डमी बेसिकली, तो उस केस में इसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, रेनफॉल और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर डिफरेंसेस हैं, स्पेशल इंटरेक्शन है, स्टेट हेडक्वार्टर्स का, क्लास वन सिटी का, मार्क साइज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस है, सेंटर फॉर पॉलिटिकल पावर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन है, एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। इसी में आप देख रहे हैं
कि इन सिटी पॉपुलेशन बेसिकली 2011 और ये ग्रोथ रेट ऑफ सिटी पॉपुलेशन 2001 to 11, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं इतने सारे, जिसके अंदर आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि जो 2001 से 11 तक का ग्रोथ रेट सिटी पॉपुलेशन का वो 0.653, जो कि इस पैरामीटर्स पे चल रहे हैं कि स्पेशल इंटरेक्शन कैसा है स्टेट हेडक्वार्टर्स का, नियरेस्ट सिटी से उसका कितना डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज क्या अवेलेबल है, सेंटर फॉर पॉलिटिकल पावर क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे क्या है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये हो गई है, मतलब अलग अलग उसमें ये -3.612 भी है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम ये देख पाते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं वो अर्बनाइजेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के जो गुण हैं या उसकी जो उपयोगिता है वो क्या क्या है। बेसिकली सिटीज़ प्रोवाइड बेटर एक्सेस ऑफ टू मेडिकल केयर, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, रिसाइकलिंग इज़ मोर इकोनॉमिकली फीजिबल क्योंकि नगर में उसकी प्रक्रिया के लिए उपयुक्त साधन होते हैं, तो जो पुनर्चक्रण है व्यर्थ पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होता है। कॉन्सेंट्रेटिंग पीपल इन सिटीज़ हेल्प्स टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली जो नगर में जैव विविधता है तो जो नगर में उनका केंद्रण पाया जाता है तो वो प्रिजर्व करती है उनकी जैव विविधता को। सेंट्रल सिटीज़ कैन सेव एनर्जी इफ रेजिडेंट्स रिलाय मोर ऑन एनर्जी एफिशिएंट मास ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग एंड बाइसाइकिलिंग। नगरों में क्या होता है कि जो नगर हैं वो ऊर्जा को संरक्षित या सुरक्षित रखते हैं क्योंकि जो रेजिडेंट्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डिपेंड भी करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं और एफिशिएंटली उसको वर्कआउट करते हैं, मीन्स वॉकिंग और बाइसाइकिलिंग भी उसका एक माध्यम है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये हाईली अर्बनाइज सोसाइटीज़ में अडेप्टेबल है। देन रीजनल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसका प्रादेशिक प्रारूप क्या है भारत में। तो हाई अर्बनाइज रीजन्स में हम क्या देखते हैं कि मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो नगरों में रहती है, जिसके अंदर दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, जो कि तीनों ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिनका एरिया छोटा है, दे आर स्मॉलर इन एरिया एंड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इससे जो जनसंख्या घनत्व वो अधिक पाई जाती है। देन दूसरी जो कैटेगरी है वो है मॉडरेट अर्बनाइज्ड सिटीज़, जिसके अंदर 25 से 50% जनसंख्या है वो नगरों में रहती है, एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ मोर, जो इसका कारण है मध्यम नगरीकृत नगरों का, उसका मेन जो वजह है वो है औद्योगिक विकास और नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है लेस अर्बनाइज रीजन्स, मतलब जो निम्न नगरीकृत प्रदेश हैं जिनमें से मात्र 15 से 25% जनसंख्या निवास करती है, और ये वो नगर हैं जिनका जो आधार है आर्थिक वो कृषि है और जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और जो लास्ट इसका जो प्रारूप हम देखते हैं वो है लीस्ट अर्बनाइज रीजन्स, सबसे अल्पतम नगरीकृत प्रदेश जिसमें मात्र 15% से कम जनसंख्या आपकी नगरों में निवास करती है। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं तो जो नगरीकरण की समस्याएं हैं वो बेसिकली फॉल्टी अर्बन प्लानिंग की वजह से है, प्रॉपर प्लान नहीं होता, अर्बनाइजेशन विद पुअर इकोनॉमिक बेस एंड विदाउट हैविंग फंक्शनल कैटेगरीज, कोई भी कार्यात्मक श्रेणीकरण या इनका जो वर्गीकरण है वो नहीं है। तो इंडिया में जो हम बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं वो है एक सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। नगरीकरण में क्योंकि हर चीज़ मैकेनाइज्ड होती है और गांव से लोग शहरों में आके निवास करते जाते हैं तो इसलिए जो बेरोजगारी है उसका उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि अधिकतम जनसंख्या नगरों में रह रही होती है तो वहाँ पे जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर रहने के लिए आपको मकान की या जगह की उपलब्धता नहीं होती, और परिणाम स्वरूप जो तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है वो स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स। स्लम्स मीन्स मलिन बस्तियाँ या गंदी बस्ती, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पर जिस मनुष्य को जगह मिलती है वो वहाँ पे रहना शुरू कर देता है, और जो मलिन बस्तियाँ हैं वो किसी भी नगर या किसी भी देश के लिए एक समस्या है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं होती, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होता, पोल्यूशन होता है, क्राइम रेट बढ़ जाते हैं, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो स्लम्स पोजेस मेजर प्रॉब्लम टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसका प्रसार क्षैतिज रूप में होता है नगरीकरण का, तो जो परिवहन की सुविधाएं हैं उसकी सुलभता भी नहीं हो पाती कई बार। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि नगरीकरण जब होगा तो जनसंख्या का दबाव पड़ेगा ना, आप पास हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं तो जनसंख्या पर को जो जल आपूर्ति है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होती हैं। फिफ्थ इसका जो प्रॉब्लम है वो है वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन ओइंग टू प्रेशर ऑन लैंड,
एंड मोर पॉपुलेशन कमिंग इन टू सिटीज़, तो जो जल प्रदूषण की समस्या है, वायु प्रदूषण की समस्या है, ये भी आपकी पाई जाती है। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो इनएडिक्वेट प्रोविजन फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जनसंख्या का दबाव वहाँ पे सीमित संसाधनों पे पड़ता है, तो जो सोशल हमारा सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का संरचना संगठन है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो प्रति जो छात्र है या प्रति व्यक्ति है बेड की उपलब्धता या सीट्स की उपलब्धता वो नहीं पर्याप्त हो पाती। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो नगरीकरण से जुड़ी हुई हैं। हमने हाउसिंग शॉर्टेज की बात की थी, तो उसे इस स्लाइड में हम देखते हैं कि इंडियन अर्बन पॉपुलेशन इन 2001 वाज 27.8 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। पांच डिकेड्स में एनुअल ग्रोथ अर्बन पॉपुलेशन की बेसिकली 2.7 से 3.8 हुई है। ड्यूरिंग लास्ट डिकेड इट इंक्रीज्ड एट एनुअल रेट ऑफ 2.7। देन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इन लार्ज सिटीज प्रोजेक्टेड दैट बाई 2041 इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन विल बी 50%। 12th प्लान पीरियड जो 2012 से 17 का है, 11 मिलियन हाउसेज लाइंग अनयूज्ड एंड वेकेंट इन अर्बन इंडिया, मीन जितने भी हाउसेज बने हुए हैं वो खाली हैं, उनमें कोई निवास नहीं करता। एंड जो नगरीय जनसंख्या है, डिकेडल ग्रोथ उसकी 32% है, दशकीय जो वृद्धि है जो 285 मिलियन से 377 मिलियन है 2001 से 2011 के बीच में, तो ये आप देख सकते हैं कि कितना वास्ट डिफरेंस है। देन 18.7 मिलियन हाउस होल्ड इन 2022, तो 2022 तक हम देखते हैं कि ये इसमें इतना हाउस होल्ड जो घरेलू विकास है वो होगा। देन हाउ टू स्टॉप रैपिड अर्बनाइजेशन, हम तीव्र जो गति से अर्बनाइजेशन है उसे कैसे रोक सकते हैं। तो बेसिकली नो सिंगल इंडिविजुअल कैन प्रिवेंट अर्बनाइजेशन, गवर्नमेंट शुड मेक लॉ एंड डू सम एक्टिविटीज़ फॉर दैट। इसमें सबसे पहला है गिव मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू विलेजेस, ओपन सम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज़, मीन्स गाँव में ही उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएँ। मेक स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन रूरल एरियाज सो दैट रूरल चिल्ड्रन डोंट हैव टू कम टू सिटीज़ फॉर एजुकेशन। गाँव में ही अगर उनको प्रॉपर स्कूल की सुविधाएँ मिलेंगी, कॉलेज मिलेंगे, तो वो शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज़ एवरी डे यूजबल मटीरियल शुड बी सोल्ड एट चीप रेट्स इन रूरल एरियाज, जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ हैं उन्हें न्यूनतम रेट पर दर पर उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। एंड डेली वेजेस इन रूरल एरिया शुड बी इक्वल और एज पर सिटी। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच कैन प्रिवेंट अर्बनाइजेशन टू सेट एक्सटेंड। ये कुछ उपाय हैं या कुछ माध्यम हैं जिसके द्वारा हम जो पलायन है, जो प्रवसन है, उसको रोक सकते हैं नगरों की ओर। रिजल्ट्स ड्यूरिंग रीसेंट टाइम शो दैट इंडिया अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड 2.58 से 1901 में 37.7 करोड़ आ गया है, और परसेंट अर्बन हैज़ इंक्रीज्ड जो है वो 11 से 31 प्रतिशत हुआ है 2011 में, तो ये बेसिकली स्लो है। देन कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया में हम देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। तो एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एज रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों की जो वृद्धि हुई है उससे नगरीकरण बढ़ा है। देन माइग्रेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रवसन हुआ जो हमारा भारत विभाजन हुआ था उसके वक्त, उसलिए उसमें नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक मेजर कारण है। 11th फाइव ईयर प्लान है जो अर्बनाइजेशन का आर्थिक विकास की ओर उन्मुख है, तो उससे वृद्धि हुई। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की उपलब्धता है। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़ इज़ अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलता है नगरों में तो गाँव से लोग शहर की ओर आते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकिन्सी इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन विल ग्रो फ्रॉम 340 मिलियन इन 2008 टू 519 2030, तो 2030 में हम देखेंगे कि जो संख्या है वो 590 मिलियन हो जाएगी। Therefore, it is being driven by economic compulsions where people move out from economic advancements to areas offering better job opportunities. हमें मालूम है कि मेजर आधार हमारा क्या है नगरीकरण का, आर्थिक। तो आर्थिक जहाँ पे आपको उपलब्ध अवसर ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी। It is also driven by land fragmentations, villages being erased due to roads and highways constructions, dam constructions, other activities. गाँव में क्योंकि सड़कों का निर्माण हो रहा है, हाईवे का निर्माण हो रहा है, और क्योंकि जो भूमि है वो बट रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो पलायन है नगरों की ओर वो बढ़ रहा है। देन एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बट इट्स नो मोर प्रॉफिटेबल। एग्रीकल्चर हमारा आर्थिक मूल है लेकिन अब उसकी इतनी प्रॉफिट नहीं हो रहा, उससे जो किसान है उनको उससे आय प्राप्त नहीं हो रही है, तो आर्थिक दृष्टि से ये उतना ल्यूक्रेटिव ऑफर नहीं देता। इसलिए इंडियन रूरल इकोनॉमी इज़ प्राइमरली क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट फॉर 18% ऑफ इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP
एंड इज एस्टिमेटेड दैट इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 50% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स. क्योंकि हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी है तो 50% जो वर्कफोर्स है वो कहाँ पे आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से. बट ग्राउंड रियलिटी डिफर्स. मैनी फार्मर्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया लीविंग फार्मिंग प्राइमरली बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट एंड लो इनकम. क्योंकि आपको उसमें खाद है, बीज है, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड्स है, इरिगेशन फैसिलिटीज कॉस्टली हो चुकी हैं, पानी नहीं है सिंचाई के लिए. तो ये सारी जो चीज़ें इनपुट ज़्यादा हो रहा है और उससे आय कम प्राप्त हो रही है, इसलिए वो कृषि को छोड़ रहे हैं. ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड विद यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स केमिकल्स एंड हाइब्रिड्स लैंड फर्टिलिटी इज़ डिक्लाइनिंग. सो दिस इज़ द मेजर कॉज फॉर द चेंजिंग पैटर्न इन फ्रॉम रूरल एंड अर्बन फ्रेमवर्क. और जो आपका जो शिफ्ट है पॉपुलेशन का वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ हो रहा है. देन सेलियन फीचर्स की हम बात करते हैं. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन डेटिंग बैक टू 2500 BC. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मिडाइवल पीरियड्स एसोसिएटेड विद द सीट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. क्योंकि ये हमेशा से रहा है कि जो प्रशासन और व्यापार के लिए जो मेजर सीट्स थी उससे रिलेटेड रहा है. ब्रिटिश रूल में अर्बनाइजेशन रेट एक्सेलरेटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद थीम कि 1901 में फेमिनिन प्लेग था, 11 में इन्फ्लुएंजा था, 31 में एग्रीकल्चर डिप्रेशन था, 41 में वर्ल्ड वॉर थे, 40-41 में आपका पार्टीशन हुआ, 51-61 में प्लान डेवलपमेंट, 61-71 में इमरजेंस ऑफ न्यू अर्बनाइजेशन, और 71-81 में डिसेंट्रलाइजेशन अर्बन ग्रोथ आ गया, 81-91 में जो कॉज था वो डिसेलरेटेड रूरल अर्बन माइग्रेशन था एंड डिक्लाइनिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज था. तो हर डिकेड में एक अलग एजेंडा था, एक अलग फैक्टर था विच कॉन्ट्रीब्यूटेड. फिफ्थ पॉइंट है द इंडियन अर्बनाइजेशन इज ऑफ सब्सिस्टेंस नेचर. निर्वहन प्रकृति का है कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं फ्रॉम रूरल एरियाज, वो अर्बन सेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट की वजह के लिए आते हैं. दे यूजली लीड अ सब स्टैंडर्ड लाइफ एंड येट दे स्टिक टू सिटीज़ फॉर जॉब. यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता है वो उतनी अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद वो यहाँ पर रहते हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है. द इंडियन अर्बनाइजेशन इज पॉली मेट्रोपोलाइट पॉलिटन अपेक्स इन विच द मिलियन प्लस सिटीज़ डोमिनेट. जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं अर्बन स्कीम को. और इसलिए इंडियाज फॉर बेसिकली अकॉर्डिंग फॉर ऑन थर्ड ऑफ इंडियाज टोटल अर्बन पॉपुलेशन. तो ये बहुत ही स्मॉलर कॉन्ट्रीब्यूशन है या स्मॉलर परसेंटेज है. द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया आर एक्सप्लोडिंग इन द पॉपुलेशन वाइल द स्मॉल टाउन्स आर स्टैग्नेटिंग. जो छोटे कस्बे हैं वो स्थिर हो चुके हैं और जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है वो बड़े नगरों में हो रही है. In 1901, small towns with a population of less than 20,000 each accounted for 48%, while in 2001, अब 10% हो चुका है अर्बन पॉपुलेशन. एट पॉइंट जो है वो इंडियन अर्बन सिस्टम इज़ नॉट इंटीग्रेटेड बोथ फंक्शनली एंड स्पेशली. जो नगर का तंत्र है वो ना तो कार्यात्मक दृष्टि से ना स्थानीय दृष्टि से एकीकृत नहीं है. इसलिए क्या होता है कि ये ब्रेक होते हैं और असंतुलन जो है वो अर्बन हायरार्की में देखा जा सकता है. The ninth point है द इंडियन टाउन्स आर ग्रोइंग मोर ऑन द बेसिस ऑफ टर्शरी रादर देन सेकेंडरी सेक्टर. हमारा जो तृतीय जो है वो तृतीय जो सेक्टर है वर्किंग वो उस पर बेस्ड है, ना कि सेकेंडरी सेक्टर पर जो कि इंडस्ट्री एंड मैनुफैक्चरिंग का है. देन टेंथ पॉइंट इन सर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया आर मोर अर्बनाइज इन नर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल सोशियो कल्चर एंड रिसोर्स फैक्टर्स. जो हमारा दक्षिण और पश्चिमी भारत है वो ज़्यादा नगरीकृत है. इसका मेजर जो आधार है वो सामाजिक सांस्कृतिक और संसाधन है. और 11th पॉइंट है बेसिकली इसमें द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ गेन मोमेंटम एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरिया. दिस हैज़ एडवर्सली इफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज़. एट प्रेजेंट दिल्ली इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. अर्बन सेटलमेंट्स की हम बात करते हैं तो ये इसकी किसे कहते हैं हम, तो ये है बेसिकली कि मे बी डिफाइंड एज वन हुज अर्बन पॉपुलेशन इज लार्जली एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एट सेकेंडरी एंड क्वार्टरनरी टर्शियरी एक्टिविटीज़. सेंसस ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेट गाइडलाइंस दिए वो 71 के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन एक्सीडिंग 5,000 एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन जो है वर्किंग वो नॉन एग्रीकल्चर परसूट्स में हो. तीसरा पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 400% पर स्क्वायर किलोमीटर और इट शुड हैव अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपल बोर्ड अ कंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया. क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो ऑल द टाउन्स एंड अर्बन एग्लोमरेशन हैव बीन ग्रुप्ड इनटू सिक्स क्लासेस. सबसे पहला है आपका अर्बन विलेज. इसमें सेबी अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसे रूरल अर्बन भी कहते हैं. टाउन जिसे हम कस्बा कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है. सिटी जिसमें 1 लाख और अबव जनसंख्या होती है. मेट्रोपोलिस जिसे हम कहते हैं
विच सर्व्स एज अ रीजनल कैपिटल. मेगालोपोलिस होता है लार्ज अर्बन रीजन फ्रेंट फर्न बाय द आउटग्रोथ ऑफ मैनी मेट्रोपोलिसेज. एंड कॉनर्वेशन होता है जिसे हम सन्नगर कहते हैं. अर्बन रीजन कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज मेट्रोपोलिस एंड नंबर ऑफ स्मॉल टाउन्स हडल टुगेदर. कोलकाता मेट्रोपोलिटन रीजन विद 85 स्मॉल एंड बिग टाउन्स अराउंड इट फॉर्म्स अ कॉनर्वेशन इन इंडिया. तो ये क्लासिफिकेशन है कि ग्रामीण जो नगर है उससे कस्बा नगर महानगर सन्नगर और बृहन्नगर. देन चैलेंजेस वो हैं आपके इंडिया फॉल्स टू मीट बेसिक स्टैंडर्ड बेसिकली वाटर सप्लाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. रैपिड अर्बनाइजेशन हैज़ कॉज्ड वाइड स्प्रेड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द कंट्री. इंडिया हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड अर्बन डवेलर्स बेसिक नीड्स सच एज हाउसिंग. और इन 2012 द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलोकेशन स्टेटेड दैट देर इज एन अंडर सप्लाई ऑफ 18.78 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स इन अर्बन इंडिया विच नियरली 95% अफेक्ट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS एंड लो इनकम ग्रुप दैट इज LIG ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन. पीपल हु बिलोंग टू EBS एंड LIG ग्रुप हैज नो एक्सेस टू फॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस. इनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. डेली वेजेस में हैं ये लोग, स्लम्स में रहते हैं. 2011 सेंसस बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि नियरली 65.5 मिलियन पीपल रिसाइड्स इन स्लम्स इन इंडिया सिटीज. और ये आता है बेसिकली स्लम्स प्रोलिफरेट इन ऑलमोस्ट ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया.